वेलकम टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी इज अ टॉपिक ऑफ थर्ड सेमेस्टर, तो हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी आपका एक्चुअल में होता क्या है और इसमें हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक एक करके वो हम सब जानते हैं, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी हम आपको बाद में डिफाइन करेंगे, पहले हम इसमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी कम्बिनेशन की। सो आपने परमुटेशन एंड कम्बिनेशन तो पढ़ा ही होगा, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन होता है आपका अरेंजमेंट, ठीक है। कुछ वस्तुएं हमारे पास ये हैं और कुछ वस्तुएं जैसे ये हैं हमारे पास आर, एन और आर, इसका हम परमुटेशन अरेंजमेंट कैसे करते हैं। सो अरेंजमेंट दैट इज, इस तरह से डिफाइन करते हैं फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन माइनस आर। खैर, हमें इसकी आवश्यकता प्रोबेबिलिटी में पड़ेगी नहीं, हमें केवल आवश्यकता पड़ेगी तो कम्बिनेशन की। कम्बिनेशन दैट मीन्स सिलेक्शन। सो यदि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एन हैं, इसमें से आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, सो इस तरह से एन सी आर से आप डिनोट करते हैं कम्बिनेशन को। और ये डिफाइन होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक। सो ये कम्बिनेशन इस तरह से आप डिफाइन करते हैं। आपको इसमें फैक्टोरियल एन कैसे आप निकालते हैं, सो फैक्टोरियल एन आपका ऐसे होता है, एन को आप बाहर करेंगे सो आपको फैक्टोरियल के अंदर क्या होगा, इसी एन में से कम कर दीजिएगा वैल्यू। सो इस तरह से फिर से आप एन माइनस वन बाहर करेंगे सो एन एन माइनस वन, एंड फिर से इसी तरह से आप बाहर करेंगे तो एक कम होता जाएगा और ये लास्ट कहाँ तक जाएगा, थ्री टू एंड वन तक जाएगा। लास्ट में फैक्टोरियल जीरो होगा सो उसकी वैल्यू हम हमेशा वन लिखेंगे, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू, इट्स ओके। नाउ आप यहाँ देख रहे हैं कि वन इंटू टू इंटू थ्री एंड एड्रेस ये कहाँ तक जाता है, ये प्रोडक्ट है एन तक। सो नंबर ऑफ जो नेचुरल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट है, सो प्रोडक्ट हम डिनोट करते हैं फैक्टोरियल एन से, सी ठीक है। फैक्टोरियल एन का मतलब प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। आप निकालते कैसे हैं, तो वो मैंने बताया कि फैक्टोरियल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको आप बाहर निकालेंगे तो उसी वैल्यू में से आप एक कम कर दीजिएगा फैक्टोरियल के अंदर। जैसे हमने बात की फैक्टोरियल फोर की, सो इसको हम फोर बाहर करेंगे, फैक्टोरियल के अंदर एक कम हो जाएगा, फोर में से एक कम कर देंगे यानी फोर फैक्टोरियल थ्री। फिर आप थ्री बाहर करेंगे तो इस तरह से फोर थ्री टू वन, ठीक। लास्ट में यहाँ फैक्टोरियल जीरो बचेगा उसको हम वन लिख देंगे, क्लियर। सो इस तरह से आप फैक्टोरियल डिफाइन करते हैं और ये नेचुरल नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तोड़ना कैसे, आपको एक एक वैल्यू आप बाहर करते जाइए और उसमें एक वैल्यू फैक्टोरियल के अंदर कम करते जाइए, क्लियर। नाउ ये आपको पता होना चाहिए, फैक्टोरियल जीरो पता होना चाहिए। इस तरह से आपको यदि वैल्यू निकलवाई जाती है कि एन सी जीरो की वैल्यू क्या है, सो एन सी जीरो की वैल्यू आप इसी से निकालेंगे, दैट मीन्स फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल ये आर है तो फैक्टोरियल जीरो और एन माइनस जीरो, सो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू हम वन रखेंगे और ये फैक्टोरियल एन रहे ये कट जाएगा, आपको वन बोलेंगे, सो एन सी जीरो की वैल्यू वन। इसी तरह से एन सी एन की वैल्यू है तो वो भी वन ही आएगी, ठीक। एन सी टू एन सी थ्री ये सब वैल्यू आपको इसी फॉर्मूले से निकालना है, ठीक। कैसे निकालना है ये वैसे आप पढ़ चुके हैं, ज़्यादा मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए इस पर, ठीक। चलिए सिलेक्शन, हमें ये इतना पता होना चाहिए सिलेक्शन कैसे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स उसमें से हमें आर का सिलेक्शन करना है, सो एन सी आर इस तरह से आप लिखेंगे और डिफाइन कैसे होता है तो ये चीज़ क्लियर, ठीक। नाउ अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी पर। सो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसमें आपका हिंदी में जैसे आप कहते हैं कि ये घटना घटने की जो पॉसिबिलिटीज होती है उसको ही प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स हमें जो नंबर ऑफ कम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी अगर आप डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी जो है इवेंट क्या हो रही है, बटे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, या इवेंट्स को भी आप कॉम्बिनेशन भी कहते हैं।
ठीक। सो ये इवेंट्स है, इसको आप कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। ठीक, सेलेक्शन। सो ये इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब इस पे आपका है क्या कि कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे आपका थ्योरी में जैसे क्वेश्चन में आता है एंड वर्ड आता है, कहीं पर भी एंड वर्ड आता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस का साइन लेना है। नो नो नो, प्लस का नहीं, कहीं एंड आता है तो इनटू का मतलब साइन लेना है, गुणे का साइन लेना है। गुणे का साइन मतलब ये है कि आपकी जब तक कंडीशन पूरी नहीं होती तब तक आपको इनटू का साइन लगाना है। ठीक, और वर्ड आता है कहीं, अथवा करके आता है तो और वर्ड आता है कहीं, तो हमें वहाँ क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। दैट मीन्स एक कंडीशन पूरी हो गई है और इन अदर वर्ड दूसरी कंडीशन भी इसमें पॉसिबल हो सकती है, तो हम वहाँ प्लस का यूज करेंगे। क्लियर है? सो ये कंडीशन आपको इस तरह से पता होना चाहिए। बात आती है कहीं नो इवेंट की, अगर बात कहीं नो इवेंट की आ जाए, नो इवेंट घटना ना घटने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कोई घटना घटे ना तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए कुछ इस तरह से लिखेंगे। आप एक में से एक प्रोबेबिलिटी घटा देंगे। प्रोबेबिलिटी कैसे घटाएंगे, कम से कम एक घटना तो उसमें घटनी ही चाहिए। सो हम मान लेते हैं एटलीस्ट आ इवेंट ऑकर। ठीक, नो इवेंट ऑकर के लिए अगर हमें निकालना है कि कोई घटना यदि नहीं घटती है तो ये हमें फॉर्मूला यूज करना है, वन माइनस कम से कम एक घटना तो घटे हैं। क्लियर है? कम से कम एक घटना जो घट रही है वो हम इसमें से घटा देंगे। सो नंबर ऑफ इवेंट इस तरह से आप निकाल पाएंगे, नो इवेंट, नो इवेंट्स। ठीक, कोई घटना ना घटे तब। तो अब इस तरह से आपका क्या है कि इसमें दो से दो तीन, मतलब कई तरह के सवाल होते हैं, बट स्पेशली जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो चार तरीके के मैं आपको सवाल बताता हूँ, जिसमें से पहला है आपका सवाल जो रहेगा वो कॉइंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका होगा। दूसरा टाइप होगा डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, पांसे जो होते हैं आपके, पांसे से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉइंस मतलब सिक्के से। ठीक, और इसी तरह से आपका थर्ड मैं आपको बताऊंगा, एक बैग से रिलेटेड, जैसे कोई बैग है आपका उसमें कुछ बॉल्स हैं, ठीक, आर्टिकल्स, तो बैग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट फोर आपका ये रहेगा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हम मान सकते हैं, कार्ड से रिलेटेड, जो 52 कार्ड्स होते हैं आपके। ठीक है, कार्ड्स आपने ताश के पत्ते जो पढ़े होंगे, ठीक है, देखे भी होंगे इनके, तो ये मैं जब पढ़ाऊँगा तो आपको ये दिखाऊँगा भी किस तरह से पत्ते होते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह के हम आपको चार तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो पहला हम डिस्कस कर लेते हैं सिक्के, जो सिक्के हैं हमारे पास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे और किस तरह के क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिक्के के बारे में जानेंगे। जो आपका सिक्का होता है तो सिक्के में आपने देखा होगा कि दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसमें हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। अगर हम कॉइन्स की बात करें, ठीक, तो कॉइन्स में आपका या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। क्लियर है? एक कॉइन्स की हम बात कर रहे हैं जब हमारे पास केवल क्या है, वन कॉइन है, केवल एक ही कॉइन है हमारे पास, तो उसमें या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। अब हम बात इसमें ये कहते हैं आपको कि इसके जो हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपने सिक्के को इस तरह से उछाला और उसमें कहा कि हेड होने की प्रोबेबिलिटी, सो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, भाई सिक्का तो एक ही है तो उसमें या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, यानी टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, उसमें दो ही हो सकती हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हम नीचे लिखेंगे। ठीक, अब या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है उसमें से, तो हेड किस में आ सकता है, एक ही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो यहाँ हम एक बटे इस तरह से लिखेंगे दो। ठीक है, एक बटे दो, या आपको इसको थ्योरेटिकल लगाएंगे तो एक ही सिक्का है आपका, उसमें से आपको एक ही का सिलेक्शन करना है, वो भी हेड का, क्योंकि एक ही हो सकता है हेड या टेल। ठीक, एक से आपको हेड होने की प्रॉबिलिटी, मतलब एक हेड चाहिए आपको एक सिक्के में से। ठीक है, और बटे टोटल पॉसिबिलिटी जो आपकी है, टोटल पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम सिक्के के लिए यूज करेंगे, टोटल जो पॉसिबिलिटी होगी मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी होगी
अब प्रोबेबिलिटी नहीं बोला हम, पॉसिबिलिटीज बोल सकते हैं या टोटल कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं सबसे अच्छा, टोटल कॉम्बिनेशन फॉर कॉइंस। सो अगर हमारे पास कॉइंस है तो कॉइंस की हम देखेंगे कि फलक तो दो ही होती हैं, फलक मतलब दो सरफेस होते हैं, ठीक। सो उसके टू टू और पावर कर देते हैं। जैसे अगर हमें बात करनी है टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइस की, तो डाइस में क्या होता है, टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइस। सो डाइस क्यों, आप देखते हैं कि छह फलक होती हैं, सो छह फलक वो लिखिए और उसकी पावर कर दीजिए एन। अब एन आपका नंबर ऑफ क्या है, एन जो है एन है आपका नंबर ऑफ क्वेंस और डाइस, क्वेंस एंड डाइस, ये क्वेंस और डाइस की संख्या होती है। जैसे आपके पास एक क्वेंस है, सो टू की पावर हम वन करेंगे, यानी टोटल जो कॉम्बिनेशन होंगे टू होंगे। आपके पास मान लेते हैं क्वेंस टू हैं, सो टू की पावर टू करेंगे, यानी कि हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन होंगे वो फोर होंगे। हमारे पास तीन क्वेंस है, टू की पावर थ्री कर देंगे, यानी कि हमारे पास एट कॉम्बिनेशन होंगे। सेम इस तरह से डाइस की बात करें, एक डाइस है तो उसकी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सिक्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। और अगर हम कहें दो आपके पास डाइस हैं, सो सिक्स पावर टू कर देंगे, सो 36। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएँ, ठीक। सो जितने आपकी संख्या बढ़ती जाती है वो पावर में आप यहाँ लगाते जाइए। क्वेंस के लिए टू पावर एन और डाइस के लिए सिक्स पावर एन। इसी तरह से अगर डाइस नहीं है, इसमें छह फलक नहीं है, कोई और है, जैसे फोर फलक वाला है कोई, है ना, जैसे आपने सुना होगा महाभारत के टाइम पे जो हमारे जो शकुनी साहब थे, तो उन्होंने जो पासे थे उनके पास उसमें चार फलक हुआ करती थी, है ना, तो उसमें छह नहीं होती थी। इस तरह से हम क्या करेंगे, फोर की पावर एन लगा लेंगे, जितनी फलक उसकी पावर है, ठीक। सो क्लियर। अब कैसे पासे हैं हमें, कैसे फलक वाले हमारे पास जो है, ठीक है, खेलने के जो सिक्के हैं या डाइस हैं या क्या है, वो हम इस तरह से नोट करेंगे। क्लियर है, हमें केवल दो टाइप करने हैं, कम मतलब पॉइंट्स के लिए और डाइस के लिए। सो अब हम क्वेश्चन लगाते हैं, टोटल नंबर कॉम्बिनेशन आपने जान लिए, अब क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेंस का, क्लियर है, चलिए। तो क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह से दिया कि यहाँ पर टू कॉइन्स हैं, ठीक, और टू कॉइन्स को हमने जो है टॉस किया, टू कॉइन्स आर टॉस, ठीक, दो कॉइन्स हमारे पास, उनको हमने जो है टॉस किया, और टॉस करने के बाद हमने क्वेश्चन ये कहा कि एग्जैक्टली वन हेड, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमने कहा एटलीस्ट वन हेड, दो क्वेश्चन इस तरह से दिए हमने, दो क्वेंस हैं, ठीक। सॉल्यूशन जब आप करेंगे कैसे करेंगे, दोनों क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसको आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर फर्स्ट एग्जैक्टली वन हेड एंड एटलीस्ट वन हेड, ठीक। दो क्वेंस हैं, आपके पास दो क्वेंस हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ कमीशंस होने वाले हैं वो टू की पावर आप टू करेंगे, यानी कि आपको फोर मिलेगा, टू क्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक। तो नीचे तो आपका ये टोटल कम्बिनेशन ऑफ रहेंगे वो आपके रहेंगे फोर। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जैसे देखें तो हमारा एग्जैक्टली वन हेड आना चाहिए। सो एक हमारे पास मान लीजिए ये सिक्का है, दूसरा सिक्का ये है, ठीक। आप अगर दोनों सिक्के को टॉस कर रहे हैं तो कौन सी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, एक तो आपका एक में हेड आ सकता है, दूसरे में आपका हेड आ सकता है, पहले में आपका टेल आ सकता है, दूसरे में आपका टेल आ सकता है, या पहले में हेड दूसरे में टेल आ सकता है,
या पहले में टेल और दूसरे में हेड आ सकता है, ठीक है ना। सो इस तरह की चार पॉसिबिलिटीज बनी, देखिए एक ये पॉसिबिलिटीज हो गई, एक ये हो गई, और एक ये एंड एक ये, क्लियर। सो इस तरह से कम्बिनेशंस आपके ये बने, हेड हेड, टेल और टेल, हेड टेल, टेल हेड, ठीक। ये आपके बने टोटल कम्बिनेशंस फोर। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी किसकी, हमने कहा कि एग्जैक्टली वन हेड। सो एग्जैक्टली वन हेड देखिए कहाँ पर है, एग्जैक्टली वन हेड एक तो यहाँ है, यहाँ पर एक ही हेड रहेगा, और एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक हेड रहेगा, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज हैं। दो पॉसिबिलिटीज यानी कि दो बटे चार इसकी पॉसिबिलिटीज होगी। पहला जैसे क्वेश्चन है उसकी पॉसिबिलिटीज होने वाली है, प्रॉबिलिटी क्या होगी इसकी, वो होगी एग्जैक्टली वन हेड। एग्जैक्टली वन हेड यहाँ पर है, यहाँ पर है, हम एग्जैक्टली वन हेड चाहिए, टू हेड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो एग्जैक्टली वन हेड यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो टू हेड, वन हेड जिसमें है यहाँ पर है, वन हेड यहाँ पर है, मतलब एक में हेड दूसरे में टेल। सो दो है बटे चार, सो ये प्रॉबिलिटी यानी कि एक बटे दो हो जाएगी। आप इसको सिलेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को, तो इसी में क्वेश्चन आप जब इसको लगाएंगे तो ऐसे लिखेंगे प्रॉबिलिटीज इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, टू कॉइन्स हैं हमारे पास, ठीक, उसमें से हमें सिलेक्शन करना है केवल हेड का। टू कॉइन्स हैं हमारे पास, उसमें हमें सिलेक्शन करना है हेड का, अपन टोटल कम्बिनेशंस जो हैं आपके, ठीक है, क्या कहते हैं आप, फोर रहेंगे। इसको सॉल्व करेंगे आप तो फैक्टोरियल टू अपॉन फैक्टोरियल वन और फैक्टोरियल टू माइनस वन अपॉन फोर। सो ये आपका वन और ये वन, सो वन फैक्टोरियल टू का टू बटे फोर, यानी कि एक बटे दो ही आएगा, क्लियर है। मतलब दो सिक्के थे, दो सिक्के में से आपको क्या करना है, वो चुनना है जिसमें से हेड है। अब यहाँ क्योंकि दो सिक्के हैं, हम छः सिक्के दे दें तो फिर कैसे, आपको मतलब समझना है ना, इसके अकॉर्डिंग लगाना है क्वेश्चन को। सो यहाँ सिक्स सी वन कह देते आप, क्लियर है, ठीक। दूसरा हमें क्वेश्चन ये है कि एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। सो कम से कम एक हेड यहाँ पर है, यहाँ पर है, बट कम से कम कह रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हेड भी तो ले सकते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हेड नहीं ले सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए हेड क्या है, ठीक, एक यहाँ पर हेड है, एक यहाँ पर हेड है, और यहाँ हम दो हेड भी तो ले सकते हैं, बात समझ में आ रही है। यानी कि कम से कम की कंडीशन में हम ऐसे सॉल्व करेंगे एटलीस्ट, वैसे इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर रहने वाला है प्रॉबर्टी का, कम से कम हेड तो एक ये हो गया, एक हेड, बट ज़्यादा से ज़्यादा भी तो ले सकते हैं, तो तीन बटे चार होने वाला है इसका आंसर, ठीक है, एटलीस्ट वन हेड के लिए। सो हम इसको लगाएंगे कैसे, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड हो, तो इसका मतलब ये है कि जो दो सिक्के हैं उसमें से एक में हेड आ जाए, ठीक है, और बटे फोर, बात समझ में आ रही है, कम से कम एक में हेड आ जाए दोनों सिक्कों में, तो हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं, अथवा हम ये भी सिलेक्शन करते हैं, अथवा का वर्ड आया तो हमने क्या बताया था आपको, प्लस लगाना है। अथवा में आपको ये करना है कि दोनों सिक्कों में से हम क्या करें, दोनों सिक्कों में से दोनों हेड देख लें, क्योंकि ये भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि दोनों में हेड हेड हो जाए, कम से कम हमें एक हेड चाहिए, तो एक एक दोनों में हो सकता है, ठीक है, मतलब एक में आपका हेड हो सकता है दूसरे में टेल, एक में टेल दूसरे में हेड, तो कम से कम ये तो कंडीशन, बट ज़्यादा से ज़्यादा ये भी तो हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, इसका मतलब दोनों सिक्कों में हम हेड सिलेक्शन कर लें, तो फोर। इस तरह से इसका आंसर भी आने वाला है टू बाई फोर एंड वन, ये टू सी टू एंड सी एन का मतलब वन होता है फोर, सो ये भी आपका थ्री बाई फोर ही आएगा, ठीक है, क्लियर है। सो ये कॉइन्स का क्वेश्चन था, यहाँ दो कॉइन्स थे, हम तीन कॉइन्स भी ले सकते हैं, ठीक है, टू कॉइन्स आर टॉस, सो पॉसिबिलिटी जो एग्जैक्ट हैड एंड एटलीस्ट वन हैड, सो यहाँ हम टेल भी अगर लिख दें तो भी वही आंसर आएगा, क्लियर है। हम इसमें अगर क्वेश्चन ये आगे बढ़ा दें, ओनली टू हैड, ओनली टू हेड, केवल दो हेड होने की प्रॉबिलिटी, दो हेड होने की प्रॉबिलिटी क्या हो सकती है, ये हो सकती है टू बाई फोर, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी जैसी है जिसमें दोनों में हेड आ सकता है, ठीक है। सो आप इस तरह से क्या लिख देंगे, टू बाई, नहीं नहीं सॉरी, एक में आ सकता है वन बाई फोर, ठीक है, एक ही मतलब दोनों में हेड होने की प्रॉबिलिटी, तो वो एक बटे फोर होगी, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये केवल आपका दो कॉइन्स से रिलेटेड था, अगर हम तीन कॉइन्स की बात कर लें तो ज़रा ये भी देख लेते हैं, थ्री कॉइन्स के बारे में एक क्वेश्चन,
क्वेश्चन हमने लिखा कि थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, तीन कॉइन्स है हमारे पास, उनको हमने टॉस किया। नंबर फर्स्ट हमने पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड, कम से कम दो हेड की पॉसिबिलिटीज हमें निकालनी है। तो कम से कम दो हेड की पॉसिबिलिटीज कैसे निकालेंगे, तीन सिक्के हैं हमारे पास, ठीक। सो कम से कम मतलब एक में कम से कम दो हेड चाहिए हमें, ठीक है, तीनों सिक्कों में से, यानी दो में हेड तो आना ही चाहिए और दो से ज़्यादा तीनों में भी हेड आ सकता है। कहने का मतलब ये कि तीन सिक्के हैं उसमें से कम दो का सिलेक्शन तो करना ही है, और बटे टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होगी थ्री कॉइन्स के लिए, हम 2 पावर 3 कर देंगे, सो हमारे 2 पावर 3 8 होगा, ठीक। सो ये कम से कम दो सिलेक्शन तो हमें करना ही है कि कम से कम एटलीस्ट टू हेड तो आना ही चाहिए, ठीक। अथवा प्लस 3C3 तीनों में भी तो हेड आ सकता है, सो ये पॉसिबिलिटीज हमारी रहेगी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके एटलीस्ट टू हेड की आंसर आ जाएगा। आज समझ में आ रही है, कम से कम मतलब वो तो लेना है, बट ज़्यादा से ज़्यादा वो भी हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक, वो भी हमारा उसी पॉसिबिलिटीज में काउंट होगा जब वर्ड आ जाए एटलीस्ट का, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन हम इसमें देते हैं, कोई हेड ना होने की पॉसिबिलिटी क्या है, कोई हेड ना होने की पॉसिबिलिटी, नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, कोई भी हेड ना हो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। तो भाई कोई भी अगर हेड नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों में टेल 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 आ सकता है, यही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो एक ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी आप इसको सीधे क्या लिख सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी जाने वाली है 1/8। लगाएंगे कैसे आप, तो इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला बताया आपको, क्या 1 माइनस एट लीस्ट इवेंट ऑकर, मतलब कम से कम एक हेड तो आए ही, मतलब नो हेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक में से घटा देना पड़ेगा क्या, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो आए ही तीनों में से, ठीक। सो 1 माइनस, अब कम से कम एक हेड आने की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, सो ये है कम से कम के लिए कि 3 में से 1/8, 3 में से 1 में हेड आ सकता है। लेकिन अथवा ये भी तो हो सकता है कि 2 में हेड आ जाए, अथवा ये भी हो सकता है कि तीनों सिक्के हैं, तीनों में से तीनों में आपका हेड आ जाए, तो ये भी तो सिलेक्शन हो सकते हैं। तो हम 1 माइनस 1 घटा देंगे, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 3C2 की वैल्यू, 3C1 की वैल्यू आएगी आपकी, कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 3 upon factorial 1 factorial 2, सो 3 आएगी और यहाँ पर 3 factorial 3 factorial 2 3 minus 1, तो यहाँ से भी 3 आएगा इसका मान और इसका 1, इसका मतलब 3 plus 3 plus 1/8, सो 7/8, 1 minus 7/8, सो आपका ये आ जाएगा 1/8। सो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, सो दैट मीन्स अगर कोई हेड नहीं है इसका मतलब तीनों में टेल टेल हो सकता है। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, तो दैट मीन्स आपके तीनों में क्या हो सकता है, हेड 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 आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज भी क्या होगी, 1/8 ही होगी, दैट इज क्लियर। नाउ अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डाइस का, तो डाइस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन होता है तो वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। डाइस में मैंने बता दिया था आपको कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस रहेंगे वो 6 की पावर n रहेंगे, ठीक। सो सीधे हम क्वेश्चन लिखते हैं, अब इसको रफ कर देते हैं, आपके माइंड में आ गया होगा ये चीज, सो क्वेश्चन हमने ये लिखा, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस हैं आपके पास, तो आपने थ्रो किया और पॉसिबिलिटीज हमने पूछी आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, नंबर फर्स्ट गेटिंग
are total 7, getting a total 7, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल 7 को सम ऑफ 7, ठीक 7 का सम आना चाहिए दोनों को मिला के, दो आपने सिक्के फेंके, सॉरी सिक्के नहीं है डाइस है ना, तो दो डाइस हैं उसको आपने थ्रो किया, उस तरह से दोनों की जो योगफल है वो 7 होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पहली बात आप देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं टू डाइस के लिए, तो 6 पावर 2 यानी कि 36 हो सकते हैं, क्लियर है, ये हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए पॉसिबिलिटीज हमें क्या चाहिए, मतलब इवेंट की कंडीशन क्या है कि टोटल 7 आना चाहिए दोनों का मिला के, इसका मतलब ये कंडीशंस बन सकती हैं आपकी कि 1 के साथ आपका 6 आ सकता है तो ये सम 7 आ जाएगा, आपके पास फिर 1 के साथ कुछ नहीं आएगा, 2 के साथ आपका 5 आ सकता है तो 7 हो जाएगा, इसके बाद 3 के साथ आपका 4 आ सकता है, और आपका 4 के साथ 3 आ सकता है, आपका 5 के साथ 2 आ सकता है एंड 6 के साथ 1 आ सकता है। सो केवल ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिनका सम 7 होगा, सो 1 2 3 4 5 6, ठीक, सो दैट मीन्स ये 6 बाई 36 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी 1 बाई 6, ठीक, ये किसकी प्रॉबिलिटी है, ये है हमारी गेटिंग टोटल 7, मतलब सम ऑफ 7, दोनों का योगफल मिला के आपका 7 आना चाहिए। सो इस तरह से आप डाइस का क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक, यही क्वेश्चन अगर हम आपको चेंज कर दें टोटल 7 की जगह अगर हम टोटल ऑफ 8 कर दें तो फिर आप इसको कैसे लगाएंगे, तो वो भी आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन कहें आपको गेटिंग टोटल सम ऑफ 8, अगर टोटल सम ऑफ 8 चाहिए, ठीक, टोटल 8 चाहिए, सो टोटल 8 की कंडीशंस क्या हो सकती हैं इसी में, तो टोटल 8 की कंडीशन ये हो सकती है, नंबर फर्स्ट तो 1 के साथ तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम 6 ही पॉइंट होते हैं 1 से 6 तक, ठीक, सो 1 के साथ कुछ नहीं आने वाला, 2 के साथ जरूर आएगा 6 आएगा, इस तरह से आपका 3 के साथ 5 आएगा एंड 4 के साथ 4 आएगा, 5 के साथ 3 आएगा एंड 6 के साथ 2 आएगा। सो ये केवल 5 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं जिसमें जो इनका सम है वो 8 आएगा, सो दैट मीन्स ये कितनी पॉसिबिलिटीज हुई 1 2 3 4 5, सो 5 अपॉन 36, सो ये प्रोबेबिलिटी होगी किसके लिए, सम ऑफ 8 के लिए, दैट इज क्लियर। सो ये डाइस का क्वेश्चन था, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे बैग से रिलेटेड क्वेश्चन, और इसके बाद आपके जो इम्पॉर्टेंट है आपका 52 कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो चलिए अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं इसी प्रोबेबिलिटी के सेकंड पार्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।